अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 83 एपिसोड और इस एपिसोड में हम ग्रेट डेन वर्सेस जर्मन शेफर्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, ग्रेट डेन का ओरिजिन जर्मनी से है। ये डॉग ब्रीड ब्रिटिश मैस्टिफ और वुल्फहाउंड से ब्रीड की गई है। 15th और 16th सेंचुरी में जर्मन जंगल शिकारी खेल से भरे हुए थे। इस दौरान सूअरों की आसानी से शिकार की जाए इस सोच में ग्रेट डेन को ब्रीड किया गया। 1863 में जर्मन डॉग शो में पहली बार ग्रेट डेन को लाया गया था। बाद में ये डॉग ब्रीड सिर्फ लोकप्रिय और शाही परिवारों के पास थी ताकि उनकी प्रशंसा हो सके। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। इस डॉग ब्रीड को मैक्स वैन स्टेपनीज ने पहले ब्रीड किया था। गाइडिंग एंड सोशलाइजेशन, ग्रेट डेन डॉग जायंट टाइप की डॉग ब्रीड है। ये अच्छे वॉच डॉग होते हैं लेकिन ये एग्रेसिव नहीं होते। ग्रेट डेन डॉग अच्छे फैमिली फ्रेंडली डॉग होते हैं तो आप इनको छोटे बच्चों के साथ भी रख सकते हो। इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत होती है ताकि ये कंफर्टेबल ही रह सके। ग्रेट डेन डॉग को डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है तो आपको इनको डेली 60-80 मिनट्स तक वॉक करवाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड की पॉपुलर डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं और वर्ल्ड की इंटेलिजेंस रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग्स अपने ओनर के साथ बहुत ही लॉयल होते हैं और स्ट्रेंजर के सामने बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। ये डॉग्स अच्छे फैमिली डॉग होते हैं लेकिन इनको बचपन से ही सोशलाइज करना ज़रूरी होता है। इनको छोटे बच्चों के साथ और दूसरे डॉग के साथ बचपन से ही घुल मिल कर रहना सिखाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड डॉग अच्छे गार्ड डॉग और इंटेलिजेंट डॉग होते हैं इसलिए इनका इस्तेमाल मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स में किया जाता है। कलर्स एंड शेडिंग, ग्रेट डेन डॉग ब्लैक, ब्रिंडल, फॉन, मेंटल और हर्लिक्विन कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट शॉर्ट, थिक और स्मूथ होता है। इनको हफ्ते में एक दो बार ग्रूमिंग करवाना चाहिए। इनका शेडिंग सीजन 6-8 मंथ में आता है। जर्मन शेफर्ड ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, सेबल, रेडिश ब्लैक, ग्रे और ब्लैक एंड सिल्वर कलर्स में पाए जाते हैं और इनका कोट लॉन्ग होता है। इस वजह से इनको रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। जर्मन शेफर्ड का शेडिंग सीजन 6-8 मंथ में आता है। मेंटेनेंस, ग्रेट डेन डॉग का पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 से लेके 35,000 तक आता है। जर्मन शेफर्ड का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 20,000-25,000 तक। हाइट, ग्रेट डेन की एवरेज हाइट 28-32 इंचेस होती है। जर्मन शेफर्ड की एवरेज हाइट 22-26 इंचेस होती है। वेट, ग्रेट डेन का एवरेज वेट 50-90 केजी तक होता है। जर्मन शेफर्ड का एवरेज वेट 25-40 केजी तक होता है। लीटर साइज, ग्रेट डेन की लीटर साइज एवरेज 4-8 पपीज होती है। जर्मन शेफर्ड की लीटर साइज 6-10 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन, ग्रेट डेन का लाइफ स्पैन 8-10 ईयर्स तक होता है। जर्मन शेफर्ड डॉग का लाइफ स्पैन 10-13 ईयर्स तक होता है। प्राइस, ग्रेट डेन की प्राइस 20,000 के ऊपर है। जर्मन शेफर्ड की प्राइस 10,000 से लेके 22,000 तक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 83 एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन से डॉग के बारे में जानना चाहते हो और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।